कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और जिसका असर वृंदावन के साथ साथ मथुरा के मंदिरों पर भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए वृंदावन के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को मंदिर मैनेजमेंट द्वारा पूर्णतः बंद कर दिया गया है और इसमें अब भक्तों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं जो सदस्य मंदिर के अंदर हैं वह 31 तारीख तक अंदर ही रहेंगे। वहीं जो दर्शन करने के लिए भक्त आते थे उनको मंदिर में घुसने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसका कि यहां असर भी देखने को मिला है और पीआरओ ने इसके बारे में जानकारी दी। मैं शरद त्रिविक्रम, आज से हम अभी 1 बजे से सारे दर्शनार्थियों के लिए आज से मंदिर को बंद कर रहे हैं, कोरोना वायरस को देखते हुए, सुरक्षा नियमों को पालन करते हुए जो सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें हमने इतना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया है कि अंदर से जो भी ब्रह्मचारी अंदर रहेंगे वो अंदर ही रहेंगे, 31 मार्च तक वो भी बाहर नहीं जा सकते हैं, और बाहर से कोई श्रद्धालु हो चाहे टेम्पल डिवोटी हो वो भी अंदर नहीं आएंगे, ताकि संक्रमण का कोई प्रॉब्लम ही ना आए। जो ब्रह्मचारी है वहाँ पे उनके लिए आज हम लोग राशन पानी सब जुगाड़ करके रख रहे हैं, तो 31 तक हम अंदर मंदिर के अंदर ही सब कुछ व्यवस्था रखेंगे। तकरीबन 80 ब्रह्मचारी है जिसमें पुजारी भी इन्वॉल्व इंक्लूड है, वो नॉर्मल पूजा मंदिर का सब कुछ जैसा, क्योंकि ठाकुर जी है तो उनका व्यवस्था तो हम ख़राब नहीं कर सकते, नॉर्मल सब कुछ चलता रहेगा। तो जैसे ठाकुर जी के लिए प्रसाद है, फूल है, इस तरह की चीज़ें रोज़ाना कैसे अंदर आएंगी? फूल को हम कम कर रहे हैं, जो स्पेशल फूल है वो दिल्ली से जो आते हैं या जो लोकली लेते हैं, जनरली हमारे गौशाला में भी कुछ फूल उगते हैं, वो हमारे भक्त यहाँ छोड़ जाएंगे, उसको हम सैनिटाइज करके, क्योंकि भगवान का फूल है। बाकी उसके अलावा प्रसाद जो भी भगवान को लगता है सब कुछ हम अंदर ही बनाते हैं, भगवान का प्रसाद हम बाहर से कुछ लेते नहीं है, सब अंदर ही बनते हैं। तो आज कितने बजे से बंद हो जाएगा भाई दर्शन? कितने बजे से बंद हो जाएगा? अब बंद हो गया, आज हम और नहीं खोलेंगे ना बाहर से हम किसी को। 31 तक पूरी तरह से मंदिर बंद है प्रभु, ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है।